भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की, और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है, और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।